दोस्तों आईपीएल 2025 में होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए मुंबई की अब रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की यहां पर लिस्ट आ चुकी है, जहां पर मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने के बाद सबसे पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों के नाम कंफर्म्ड कर दिए। इसके साथ ही मुंबई का पर्स बैलेंस भी अब आ चुका है कि रिटेन खिलाड़ियों कितने पैसे इस टीम ने दिए और ऑक्शन के लिए कितने रुपयों का इस टीम के पास पर्स बैलेंस बचा। आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले मुंबई रिलीज खिलाड़ियों के आखिर मुंबई ने मेगा ऑक्शन से पहले और सबसे पहले एलिमिनेट होने के बाद कौन कौन से खिलाड़ियों को आखिर रिलीज कर दिया। तो इनमें नाम आता है सबसे पहले मोहम्मद नबी का, इसके बाद नाम आता है यहाँ पर कुआना का, इसके साथ ही इसके बाद नाम आता है यहाँ पर हार्दिक देसाई का नाम आता है, रोमानियो शेफर्ड का नाम आता है, यहाँ पर कुमार कार्तिक के, इसके साथ ही नाम आता है पीयूष चावला का नाम आता है, आकाश मडवाल का। दरअसल इन खिलाड़ियों को मुंबई ने रिलीज कर दिया यानी बाहर कर दिए, सभी खिलाड़ी हमें ऑक्शन में आते हुए दिखेंगे। इसके बाद नाम आता है आकाश मडवाल का नाम आता है, सेम्स मुलनानी का, इसके साथ ही नाम आता है लुकवुड का नाम आता है, नियाल वडेरा का नाम आता है, विष्णु विनोद का नाम आता है, यहाँ पर कोडजी का नाम आता है, दिलशन मधुशंका का, इसके साथ इस लिस्ट में नाम आता है यहाँ पर सुरेश गोपाल का नाम आता है, यहाँ पर नुआन तुषारा का नाम आता है, यहाँ पर अर्शुल का, इसके साथ ही नाम आता है यहाँ पर नमन दीर का नाम आता है, शिवालिक शर्मा का, इसके साथ ही नाम आता है रोहित शर्मा का नाम आता है, अर्जुन तेंदुलकर का नाम आता है, यहाँ पर ब्रेविस का। तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज करी। रोहित शर्मा जिन्होंने यहाँ पर इस टीम को बनाया, जिन्होंने इस टीम को 5 आईपीएल खिताब दिलाए, इनको यहाँ पर मुंबई की टीम रिलीज करिए। दरअसल यहाँ पर रोहित शर्मा और मुंबई की मैनेजमेंट के बीच कुछ भी यहाँ पर तालमेल नहीं बन रहा है, इस वजह से ये टीम हार्दिक के साथ फर्दर कंटिन्यू रहना चाहती है और रोहित शर्मा को ये टीम रिलीज कर रही है। तो रोहित शर्मा ऑप्शन मार, वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ऑप्शन में रोहित शर्मा को कौन सी टीम परचेस करी, कितने करोड़ में ये बिकेंगे। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन से खिलाड़ी को रिलीज और रिटेन करेगी। सारी लिस्ट टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। बात करते हैं मुंबई के रिटेन खिलाड़ियों की, तो मुंबई की टीम ने 6 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया, 6 में से 4 खिलाड़ियों को ये टीम रिटेन कर रही है। इनमें नाम आता है कप्तान हार्दिक पांडे, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा का, टीम डेविड का, सूर्य कुमार यादव का और ईशान किशन का। तो एक टीम मैक्सिमम मेगा ऑक्शन के लिए 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी। तो मुंबई ने इन खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए, इनमें से केवल यहाँ पर 4 खिलाड़ियों को ये टीम रिटेन कर पाएगी और अगर अनकैप्ड खिलाड़ी इस लिस्ट में नहीं है तो केवल 3 खिलाड़ियों को ही ये टीम शायद रिटेन कर पाए। तो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर पहला खिलाड़ी जो रिटेन होगा वो 17 करोड़ का रहेगा। हार्दिक पांड्या मोस्टली पहले रिटेंशन रहेंगे, 17 करोड़ के वो प्लेयर रहेंगे। दूसरा रिटेंशन 14 करोड़ का रहेगा जो कि मोस्ट लाइकली जसप्रीत बुमराह रहेंगे, और तीसरा रिटेंशन 10 करोड़ का रहेगा जो कि शायद यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, और चौथा रिटेंशन यहाँ पर तकरीबन 6 करोड़ का रहेगा। तो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर मुंबई के 47 करोड़ रुपये खर्च होंगे और टोटल 105 करोड़ का पर्स बैलेंस मेगा ऑक्शन के लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 47 करोड़ रुपये यहाँ पर 4 रिटेंशन पर खर्च होंगे, उसके बाद 58 करोड़ बचेंगे। 58 करोड़ में 20 से 21 प्लेयर मेगा ऑक्शन में टीम को यहाँ पर परचेस करने होंगे। तो कुल मिलाकर अब मुंबई की तरफ से यही यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई ने 6 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया, 6 में से 4 खिलाड़ियों को यहाँ पर रिटेन करी और रोहित शर्मा, जो कि बड़ी खबर है कि रोहित शर्मा यहाँ पर मेगा ऑक्शन में जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से 4 खिलाड़ियों को मुंबई को रिटेन करना चाहिए और आपकी कौन सी फेवरेट टीम की आपकी रिटेन रिलीज की लिस्ट जाना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।